वेलकम बैक दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि हमने टोटल इसकी सर्विस करी है टोटल बॉडी की, और ये मिसिंग कर रही थी गाड़ी, तो हमने इसके टोटल सर्विस कर दी। अब क्या दिक्कत है इसके अंदर कि जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये आरपीएम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हाई हो रहा है, देख सकते हैं ये आरपीएम ज़्यादा है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका टोटल रीसेट करेंगे ताकि जो इसकी गाड़ी की जो वाइब्रेट है वो भी कम हो जाएगी टोटल रीसेट करने से। और तो देखते हैं हमारे इसके अंदर से टोटल रीसेट इसकी होती है नहीं होती। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने स्कैनर। और दोस्तों आज स्कैनर हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं ओटल का दोस्तों, जो AP200 है, तो वो स्कैनर इस्तेमाल करेंगे और इसकी टोटल रीसेट करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं हमारा OBD पोर्ट हमने लगा दिया है, तो इसकी हम रीसेट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इग्निशन ऑन, जैसे कि इग्निशन ऑन है, और ये हमारा स्कैनर। सबसे पहले इग्निशन ऑन, और ये हमारा स्कैनर है, तो इसमें हम टोटल रीसेट करेंगे। जैसे कि एक्सटा AP200 है इसकी सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा ओपन हो चुका है, और यहाँ पे हम जाते हैं सर्विस में। तो सर्विस में क्लिक करते हैं। सर्विस में क्लिक करने के बाद से जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे टोटल का ऑप्शन है, तो टोटल पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों। तो टोटल पे क्लिक करने के बाद से हमारी गाड़ी ये होंडा है, तो होंडा पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम दोस्तों ऑटो सिलेक्शन पे जाएंगे। ऑटो सिलेक्शन पे जाने के बाद से यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों रीड। तो रीड करने से दोस्तों ऑटोमेटिकली इसका विन होगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों ऑटोमेटिक विन इसका आ गया। तो यहाँ पे हम करेंगे ओके, तो ये ओके हो गया हमारी गाड़ी। जैसे कि आ गया दोस्तों होंडा सिटी है 2009 मॉडल, और ये इसका विन है। तो यहाँ पे करेंगे यस, और गाड़ी है हमारी दोस्तों होंडा की जापानीज है, जापान की गाड़ी है। तो इस पर हम जापान में क्लिक करेंगे। जापान पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे हॉट फंक्शन। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हॉट फंक्शन आ गया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हॉट फंक्शन। हॉट फंक्शन क्लिक करने के बाद से ये जो हमारी टोटल की जो रीसेट है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आ गया दोस्तों हमारे टोटल रीसेट का, TP पोजीशन चेक, ECM PCM रीसेट। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे TP जो टोटल का है इसको रीसेट करते हैं, एक एक करके सारी रीसेट करेंगे दोस्तों। यस ओके यस। तो हमारे ये चीज़ तो हो गया TP पोजीशन चेक का, और यहाँ पे हम ECM रीसेट पे जाएंगे टोटल का। यस प्रेस होने ओके। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों हमारी रीसेटिंग होना स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा आ गया, अब ये लास्ट में टोटल का यहाँ पे करेंगे यस। तो ये हमारे दोस्तों अब ये टोटल बॉडी रीसेट होना स्टार्ट हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये इग्निशन ऑफ ऑन जो इसके रिले है टोटल की, ऑटोमेटिकली होता रहेगा दोस्तों। तो ये हमारा होने स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आ गया दोस्तों टर्न इग्निशन ऑफ, तो हम यहाँ पे इग्निशन ऑफ करेंगे। तो ये हमने कर दिया इग्निशन ऑफ, और यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा फिर इग्निशन ऑन का। तो ऑन करेंगे इग्निशन, और ये हमारी सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे करेंगे ओके। जैसे कि हमारा रीसेट ये सक्सेसफुली कंफर्म हो चुका है दोस्तों, फिनिश। तो दोस्तों हमारे स्कैनर तो प्रॉपर से वर्क करा। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी RPM है वो सही हुई कि नहीं हुई। तो इग्निशन ऑफ करते हैं, फिर ऑन करते हैं, और हमने करी गाड़ी स्टार्ट। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों पहले RPM हमारा कितना था और अब कितना है, और हमारी जो ये वाइब्रेट है ये भी देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल सही होगी। और ये हमारी RPM पहले 1 पे थी, और ये 1 से नीचे आ चुकी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको एक बार मैं AC पे भी चेक कराता हूँ। जैसे कि हमने ये AC ऑन करा, यहाँ पे AC ऑन है, और ये RPM देख सकते हैं दोस्तों हमारे बिल्कुल 0 है, जो 1 पे होनी चाहिए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से है, जैसे पहले हमारा ये हाई हो रहा था RPM। तो
तो ये हमारी गाड़ी अब दोस्तों ओके हो चुकी है, गाड़ी की जो वाइब्रेट है वो भी ख़त्म हो गया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों तो चैनल पर नए हैं दोस्तों लाइक करें और चैनल हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।